हो गया जी भाई, इजाजत होगी हेलो तो मैं कुछ कह सकता भाई। गज बज के मेरे नाल फतेह बुलायो जी, योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़ा महान दिन है, महान योद्धा शहीद आजम सरदार पंजाब की धरती का शेर भगत सिंह जी थोड़े चरणों में प्रणाम, सुखदेव जी थोड़े चरणों में प्रणाम, राजगुरु जी थोड़े चरणों में प्रणाम, चंद्रशेखर आजाद जी थोड़े चरणों में प्रणाम। तमाम शहीद जिन्होंने इस देश की कुर्बानियां दित्तियां ने उन्होंने चरणों च मेरा शीश झुकता है। पहली रैली तो लैके मोगे ते अज तक मैं बड़े भाषण सुने, बड़े लोगों नूं मैं तकदीर करते देखिया, बड़े लोगों नूं मैं आ कर दूं वह कर दूं फलाना कर दूं बड़ा कुछ कहिंदे मैं सुनिया, पर कुछ गल्लां मैं थोड़े विच रख के जानियां ने और कुछ गल्लां कह के जानियां ने। सच बोलदा गुरु का होर सहारा लैके, मैं गुरु ने आख्या सच का होका देना गुरु घर का, किसी चंगा लगे तो भी ठीक है, किसी की हिख च बचे तो भी गुरु आ वाला तो गुरु जान। मैं एक गल पूछना चाहता थोड़ू सारे, जब बिल नहीं सी बने उदो जिमीदार सुखी सी, बिच बोले ना भाई हूँ उदो जिमीदार सुखी सी नहीं, उदो भी वह दुखी सी, उदो भी खुदकुशिया कर रहा है। यह बिल आए, यह बिल आप वापस नहीं कराने हैं, सरकार गोटे टेक के मत्था टेक के थोड़े बिल तुम वापस करके जाऊगी। पर मेरा एक सवाल है कि जिमीदार खुश हो जू, कि जिमीदार सुखाला हो जू, किसी भी एक भी बंदे ने जथेबंदियों तो लैके बुलारिया तक यदा हल मैनू नहीं दसिया। लेकिन मैं थोड़ा दसदा, मैं बड़ी बारी जथेबंदियों तो सुनता असी इलेक्शन नहीं जी लड़नी, असी सत्ता च नहीं आना, असी यह काम नहीं करने, जे तुसी नहीं करने तो फिर पंजाब की धरती संभालूगा कौन, पंजाब की धीं भैनों कौन संभालूगा, तो पंजाब के नौजवानों के बजुर्गों कौन संभालूगा। इस करके मेरी यह बेनती है, कोई किसी को राज ना दे है, कोई किसी को ताज न दे है, जो ले है अपने निज बल से ले है, और जब निज बल न लेना तो फिर इलेक्शन लड़नी पैनी है, अपनी पार्टी बनानी पैनी है। मजदूरों की जथेबंदियों में कहना बत्ती तुसी 117 बंदे कटो, अपनी सरकार बनाओ, अपने बंदे लियाओ, अपने योधे लियाओ, जरनैलों का कोई घाटा नहीं। आवेखो दिया मार के जरनैल ही जरनैल पंजाब के तुरे फिरते हैं, असी इन्ने कमजोर हो गए, असी आपकी सरकार नहीं बना सकते, असी आपका सत्ता नहीं बना सकते। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तख्त ताज से जो बैठा सी औरंगजेब ओदे हिग च पत्थर मारिया सी, आख्या सी तेरी समाध ते किसी ने थुक नहीं आना, ते गुरु घर की जयकार देखो क्या होती है। मेरी गल याद रखियो जे, आपा को समा है नहीं, बड़ा भयानक समा चल रहा, जे पंजाब की धरती बचाना, जे पंजाब के लोगों बचाना है, जे नस्लों दसना है कि असी उन्होंने मन मिटे सी, तो याद रखियो थोनू आने वाली इलेक्शन लड़निया पैनी है, अपने जरनैल अगे लियाने पैने, सत्ता बनानी पैनी है। फिर मैं दसूंगा भी जिमीदार वास्ते की करना चाहिए, कारपोरेशन साड़िया जिमीदार अबानी अदानिया बना के देते महल आ जड़े उसी रखते अपने दाने, जब खरीद खरीद के लो जरा खाद अपना जिमीदार ने उसे रखिया। मैं दसदा यह असी बनावे, पंजाब की धरती
अपना जरा जिमीदार वह बनाऊगा कोल्ड स्टोरेज और अपनी फसल असी अपनी आप एमएसपी तय करके देंगे। कौन होंगे लोग जो एमएसपी तय कर साड़ी फसल साड़ी चीज साडा रोजगार दिता ये कर। इस करके मैं कल तो होका देन आया सी अज तकड़े होके एक जरनैल लगो सारे कट्ठे हो किसी को कुछ नहीं कहना। आ लखे वर्गे मुंडे ने बहुत कुछ किया उन्होंने भी अपने नाल नाल अपनी गोदी चलाओ सारे जथेबंदियों सारे पंजाब के कश्ती के लोगों मैं कहना चाहना उठो अपने जरनैल पैदा करो आने वाली इलेक्शन लड़ाओ और दिल्ली दरबार से जोड़े साढ़े लोग बैठे है उन्होंने सजदा दो क्योंकि ये सुख दुख जरा बच्चा कटिया गया धरती के पंजाब के ता ही लथूगा जे असी अपनी सरकार जिमीदार की बनावे त नवे लोग नवी सरकार नवे लीडर नवी सोच नवा सूरज पंजाब की धरती से चढ़ेगा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।